उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद में क्रांति आह्वान पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को दिए गए नोटिस में वर्णित के प्रथम चरण के आंदोलन के अंतर्गत एक विशाल रैली मुरादाबाद बस स्टेशन से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय लाजपत नगर तक निकाली गई। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर रैली आम सभा में परिवर्तित हो गई। रैली में मुरादाबाद क्षेत्र में तैनात परिषद की 14 प्राथमिक शाखाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारी परिषद सदस्यों ने भाग लिया। शाखावार प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा भविष्य में मुख्यालय लखनऊ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी का पूर्ण आश्वासन दिया। सभा अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने अपने संबोधन के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रस्ताव की कॉपी प्राप्त कराई, जिसमें प्रमुख सचिव परिवहन व प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नाम संबोधित करते हुए अपनी समस्याओं को बताया। कार्यक्रम में सरवत अंसारी, अजय श्रीवास्तव, अली नवाब, जमील अहमद, रवि पाल, उदयवीर सिंह, राधेश्याम, राजीव शुक्ला, रागनी सक्सेना के अलावा परिषद के मुख्य अधिकारी रामेश्वर दलभारती, सत्यवीर सिंह व राज्य कर्मचारी संगठन परिषद के जिलाध्यक्ष संजीव बड़ोला, मंडल मंत्री हेमंत चौधरी आदि भारी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound. हमारे फ्रांस के महामंत्री जी द्वारा एक आदेश दिया गया था कि एक सम्मेलन किया जाए और विचार गोष्ठियां किए जाए जिससे कर्मचारी समस्याओं को सुना जाए। कर्मचारी उसी समय हमसे रूबरू होकर आता है जब हम मंच पर होते हैं। वो हम उसके दुखदर्द को सुनेंगे, फिर उनको लेकर एक नोटिस की प्रारूप रूपरेखा तैयार करके प्रबंधन को देंगे, क्योंकि प्रबंधन ने जो 2016 में हमसे समझौता किया था कि मृतक आश्रित जो संविदा साथी होंगे उनके एक परिवार के सेवा योग्य सदस्य को निगम में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा, अभी भी वो मांग हमारी स्वीकृत पड़ी है। पास होने के बाद हमारा प्रबंध निदेशक जी, आपका नाम? चंद्रवान सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी। आज क्या मुरादाबाद क्षेत्र जी, आज क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारा रैली कल सभा की जा रही है और प्रदेश स्तर पर हमारा एमडी महोदय को 9 सूत्री मांग पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं लंबित थी। समय समय पर वार्ताएं निगम प्रशासन और शासन स्तर पर हुई, समझौते हुए और समझौतों का क्रियान्वयन आज की तिथि तक भी नहीं हुआ। आंदोलन का प्रथम चरण डिपो स्तर पर कार्यक्रम। आपका नाम? चंद्रभान सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद मुरादाबाद क्षेत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम हमारा रैली का कार्यक्रम हुआ है। सभा में क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय परिवर्तित हुआ है और सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे क्षेत्र के शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा विवश होकर, क्योंकि निगम शासन और प्रशासन द्वारा जो हमने 9 सूत्री मांग पत्र शासन और निगम प्रशासन को दिया था, उसमें समय समय पर वार्ताएं समझौते हुए पर उनका क्रियान्वयन आज की तिथि तक भी नहीं हुआ, जिसको लेकर हमारे द्वारा डिपो स्तर पर एक दिवसीय धरने किए गए, फिर
निगम प्रशासन ने समय मांगा, उसके बाद भी कोई जगह क्रियान्वयन नहीं हुआ। आज दूसरे चरण का आंदोलन जो पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, क्षेत्र प्रबंधक कार्यालयों पर रैली निकालकर सभा की जा रही है। क्षेत्र प्रबंधक के माध्यम से निगम प्रशासन और शासन को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे और उसमें मुख्य मांगे हमारे सातवां वेतन आयोग है, वेतन विसंगतियाँ हैं, छठे वेतन का एरियर्स का है, संविदा के साथियों का जो प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ाने का है और जो 17,000 फिक्सेशन है उसको शिथिल करने के लिए हमारी मुख्य मांगे हैं। जो डग्गावारी जो अवैध अनुबंध स्कैनिया बोल्वो गाड़ियाँ हमारे बीच में लगाई जा रही हैं, जो निरंतर विभाग को घाटा दे रही हैं, उसकी भी मांग हमारे बीच में है। कल MD महोदय से वार्ता थी, 3 बजे से वार्ता रात्रि 9 बजे तक चली, उसमें मैं भी मौजूद था, पर क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि शासन स्तर पर समस्याएं हैं उनको हम निपटाने का प्रयास करेंगे, पर जो कि बोर्ड से पास हो चुकी हैं उसके बाद भी हिला हवाली होती रही। एक मांग पर बिल्कुल सहमति बन गई, जो संविदा के साथी हैं जो इन्हें इलाज एक्सीडेंट के दौरान जो इलाज के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था उसमें MD स्तर से 2,50,000 रुपये सेंक्शन कर दिए जाएंगे और भी जो पैसा खर्च होगा उसके इलाज में वो बोर्ड में जाएगा, जो चाहे 5 लाख हो या 10 लाख हो। ये बड़ी समस्याओं का निदान कर्मचारी की कल करा दिया गया है, उसको सहमति बन गई है, जल्दी 1-2 दिन के अंदर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और हमारा अगला कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी भाग लेंगे और वो कार्यक्रम 21 फरवरी को है। हमारा शासन और निगम प्रशासन से समय रहते हुए अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का निदान कर दें, अन्यथा यहाँ की पूरे उत्तर प्रदेश की जनता होगी परेशानी होगी और निगम की भी छवि क्षति होगी और छवि भी धूमिल होगी। इसलिए कर्मचारियों का हित किसी भी कीमत पर रोक लीजिए, कर्मचारी संतोष नहीं होने देंगे, उनकी जायज समस्याओं के लिए